गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग और मैं हूँ रीचा। तो मैं आपको बताऊं कि कल मैं गई हुई थी अपनी मौसी के घर पे, क्योंकि उनके घर पे गृह प्रवेश की पूजा थी। तो मैंने वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह तो नहीं बनाई, बट मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट में। एंड मैं बता देती हूँ कि मैं अभी जा रही हूँ कुछ काम से बाहर। सो गाइज़ मैं गई हुई थी अभी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए और भी मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी सब्ज़ी लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये मीठा नीम, पालक, टमाटर, प्याज, मिर्ची, कोचई, लौकी और भी शायद कुछ। और गाइज़ सबसे मेन चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ लेके आई हूँ मैं हमारे घर के लिए तुलसी महारानी, जो कि हमारे घर में नहीं थी। हमारे दुर्ग का मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रहा है, शायद पानी गिरने वाला है, तो आप देखो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज़ देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के आई हूँ। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैं अभी धो लेती हूँ। तो बस अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाई हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उसे निकाल के नीचे लेके आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आजकल बरसात का टाइम आ गया है, तो कभी भी बारिश हो जाती है, तो रात में कपड़े सुखाना सेफ नहीं होता, तो इसीलिए मैं कल दिन में धूप में डालूँगी कपड़े। तो गाइस मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ और ये पूरे मेरे धुले हुए कपड़े हैं, हल्के गीले हैं क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन पे सुखा लिया है, बट जब कल धूप आएगी तो फिर इसे थोड़ी देर के लिए मैं धूप में डाल दूँगी तो पूरे कपड़े सूख जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर लाए हैं मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाइनीज़ पकोड़ा, और जहाँ पे अभी हम रहते हैं ना उसके साथ चाइनीज़ पकोड़े के साथ हमें ऐसी वाली चटनी मिलती है। ये है दही वाली चटनी और ये कुछ सॉस जैसी चटनी है जो कि थोड़ी सी तीखी है, बट ऐसी चटनी मिलती है यहाँ पर। तो गाइज़ आया है हमारे घर में एक नया गैस स्टोव, क्योंकि हमारा जो पुराना जो अभी लगा हुआ है गैस स्टोव वो उसका जो पाइप है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए आया हुआ है ये नया स्टोव। तो इसे जब मैं लगा लूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ जो ये गैस है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पाइप है वो टूट चुका है, तो वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हमें नया गैस स्टोव लाना पड़ा। तो आपने देखा जो गैस का पाइप है वो कैसे टूट चुका है, तो वैसा गैस स्टोव यूज़ करना सेफ नहीं है, तो इसलिए हम नया लेके आए हैं। और कल मैं आपको ज़रूर ये लगा के दिखाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल मैं उसी में ही खाना बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से वॉश करके साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि एक साइड का जो पाइप है वो तो एकदम अच्छा है और दूसरे साइड का ख़राब हो गया, तो बाई चांस कभी एमरजेंसी में हमें गैस स्टोव की ज़रूरत पड़ी तो इसे मैं स्पेयर के तौर पर रख दूँगी ऊपर। और गाइज़ आजकल मैं व्लॉग अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, मीन्स पूरा डे मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी कहीं जाना पड़ता है कभी कहीं जाना पड़ता है। बट मैं कल से कोशिश करने वाली हूँ कि मैं कल से प्रॉपर व्लॉग बना सकूँ और आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर सकूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप प्लीज़ मेरी कल की पिक्स देखना ना भूलिएगा, जो कि मैं अभी लास्ट में डालने वाली हूँ। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं, बाय गाइज़।